और आपके लिए राहत भरी खबर, क्योंकि उर्जित पटेल ने आपको दिवाली गिफ्ट दिया है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो आई है उसमें 4.5% की कटौती की गई है, जिससे कि आपके होम और ऑटो लोन सस्ते होने का रास्ता साफ हो गया है। रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% कर दी गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बैंक भी अब जल्द ही ब्याज दरें घटाएंगे और उसका पूरा फायदा आपको जरूर मिलेगा। दिवाली से पहले आरबीआई ने सस्ते होम और कार लोन का तोहफा दे दिया है। जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 4.25% की कटौती की है, यानी अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेते हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 4.25% की कटौती करते हुए इसे 6% से घटाकर 5.75% कर दिया है। बैंक रेट और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी 7% से घटाकर 6.75% कर दिया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम द वीक ग्लोबल डिमांड इज एक्चुअली गोइंग टू ड्रैग डाउन ट्रेड वॉल्यूम्स टू डिक्लाइन। इट इज पॉसिबल दैट नेक्स्ट वीक at the IMF meetings, or rather this week, I beg your pardon, there will be a further possible downgrading of global growth. I'll be surprised if there isn't. Monetary Policy Committee के सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोट किया। कमेटी ने समीक्षा में कहा कि मार्च 2017 तक महंगाई दर 5% तक आ सकती है। हालांकि कमेटी ने आशंका जताई है कि इस बीच महंगाई दर में उतार चढ़ाव रहेगा और ये 5% के ऊपर भी जा सकती है। कमेटी के मुताबिक 4% महंगाई दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी निगरानी जरूरी है। कमेटी ने कहा है कि अच्छे मॉनसून से ग्रोथ में तेजी की उम्मीद है। कमेटी के मुताबिक कंजम्पशन को लेकर इकोनॉमी काफी बेहतर दिख रही है। वी वेलकम द अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई। इट इज आल्सो द फर्स्ट decision, policy decision which has been announced after the meeting of the MPC. So it reflects a wide-ranging opinion, a consultative process, and I think it is quite in keeping with the general developments which are taking place in the economy. So this rate cut which has been announced by the Reserve Bank of India will boost liquidity, it will boost sentiment in the market. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कटौती ऐसे वक्त में की है जब त्योहारों का सीजन चल रहा है और सातवें वेतन आयोग के चलते इकोनॉमी में कैश भी काफी है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरों में कटौती के फैसले से ऑटो और हाउसिंग सेक्टर को बूस्टर डोज मिल सकता है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो 4.5% रेट कटौती से आप पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों हम कह रहे हैं कि आपके लिए दिवाली गिफ्ट है? क्योंकि आपकी जो घर और कार की जो EMI है उसमें काफी हद तक आपको कम अब पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि 20 लाख का अगर होम लोन लिया है, ब्याज दर 9.5% के हिसाब से 18,643 रुपए 20 साल के लोन के हिसाब से आप EMI भरते होंगे। लेकिन अब रेट कटौती अगर बैंक पूरा आपको फायदा इसका देती है तो 9.25% के हिसाब से 18,317 रुपए आपकी EMI बनेगी, तो हर महीने बचत होगी 326 रुपए की और सालाना बचत आपकी हुई 3,912 रुपए की। तो ये राहत आपको मिलेगी होम लोन पर। गाड़ी का लोन अगर चल रहा है तो 4.5% कटौती के बाद 5 लाख का कार लोन के हिसाब से आपको 10.5% के हिसाब से 10,685 रुपए जो EMI देना पड़ता था वो 10% के हिसाब से अब 10,624 रुपए हो जाएगा और हर महीने की बचत होगी 61 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है। सालाना अगर देखा जाए तो 732 रुपए आपको कार लोन पर राहत जरूर मिलने जा रही है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आखिरकार कैसे अब आपको फर्क पड़ेगा इस क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद। वैसे बाजार ने भी थम्स अप दिया है क्रेडिट पॉलिसी को। क्रेडिट के बाद अब बाजार में खरीदारी भी देखने को मिली इस पॉलिसी के बाद। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 91 अंक, निफ्टी 31 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। क्रेडिट पॉलिसी में रेट कटौती के बाद बैंकिंग शेयरों में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी दिखी। तेल, गैस, मेटल, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। BSE के कैपिटल गुड्स इंडेक्स में थोड़ी गिरावट दिखी। नेगेटिव कुछ ट्रिगर्स, नेगेटिव कुछ कंसर्न उन्होंने जताए हैं, जो पे कमीशन के HRA का बेनिफिट पास ऑन होगा उसके चलते। पर यहां पे यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मॉनसून देखा है
और बहुत सालों के बाद मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक रहा है, तो उम्मीद यही है कि एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन विल स्टार्ट कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली एंड प्रोबेबली इवन मोर देन व्हाट वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग नाउ। अगर ऐसा होता है तो दिसंबर में जरूर एक और एक रेट कट की गुंजाइश रहेगी। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वॉच व्हाट यूएस फेड डज पोस्ट यूएस इलेक्शंस, उस पे जरूर ध्यान रहेगा, पर डोमेस्टिक फैक्टर और एक रेट कट का तरफ जरूर इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली एक यूफोरिया का माहौल जरूर है इस पॉलिसी के बाद, और इसी पर फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा से बात की मेरे सहयोगी आलोक ने। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठन के बाद पहली बार आरबीआई ने पॉलिसी रिव्यू किया है, और पहले रिव्यू में नए गवर्नर उर्जित पटेल ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त सचिव श्री अशोक लवासा जी। सर, जो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, क्या यही सरकार उम्मीद कर रही थी, इसी लाइन पर उम्मीद कर रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी गठन के बाद इसी तरह की कुछ कटौती की उम्मीद हो रही थी? सरकार की उम्मीद हमेशा ये होती है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है वो मार्केट को देखकर और जो आर्थिक व्यवस्था में जिस चीज़ की उचित दरकार है उस हिसाब से फैसला करती है। माना जाए कि जो अभी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, आने वाले दिनों में जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि मानसून अच्छा है, सारी जो कंडीशंस अच्छे हैं, तो एक तरह से ये कटौती की एक तरह से शुरुआत कही जा सकती है जो एक हाई रिजीम हमने देखा था इंटरेस्ट रेट का? नहीं, ये कहना कठिन है कि ये शुरुआत है, लेकिन कटौती है जी, तो कटौती अब हुई है। आइंदा जो भी परिस्थिति होगी अर्थव्यवस्था की, मैं ये समझता हूँ कि जो इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं वो मिलजुल कर जो भी उस वक्त हालात होंगे उसके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था के हालात और जो बाज़ार में लोग हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो एक सुलझा हुआ निर्णय करेंगे जी। इंडस्ट्री को और तभी तमाम लोगों को उम्मीद थी कि रेट कटौती होगी और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। आपको लगता है कि अब जो देश में एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था रुका हुआ था, काफ़ी दिनों से सरकार भी कोशिश कर रही थी, अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, ये एक सार्थक कदम है जो आज उठाया गया है और सभी निवेशकों को ये एक मौका है कि जो कटौती हुई है उससे वो अपना असेसमेंट करें और जो भी निर्णय वो निवेश करने के लेना चाहते हैं ज़रूर इसमें उनकी सहायता होगी।